वेलकम बैक टू प्रोबुल्स, दिस इज सागर। दोस्तों बाइनांस की कंप्लीट एजुकेशनल सीरीज हमने बनाई है। बाइनांस पर स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है, P2P ट्रेडिंग कैसे करनी है, ऐसे हर एक टॉपिक पर वीडियोस बनाए हुए हैं और ये इसी सीरीज का एक वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनांस मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में। और बाइनांस का फंडे फ्राइडे ये एक रिवॉर्ड प्रोग्राम है, इसमें आप एवरी फ्राइडे रिवॉर्ड्स जीत सकते हो। तो कैसे आप इस रिवॉर्ड प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो और कैसे एवरी फ्राइडे रिवॉर्ड जीत सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैं आपको 3 एडवाइस देने वाला हूँ जो आपको बाइनांस मार्जिन ट्रेडिंग करते वक्त ध्यान में रखनी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं बाइनांस फंडे फ्राइडे कैंपेन के बारे में। ये कैंपेन एवरी फ्राइडे होता है, एवरी फ्राइडे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और एवरी फ्राइडे आप रिवॉर्ड्स जीत सकते हो। तो इसमें एलिजिबल होने के लिए आपका बाइनांस पर मार्जिन अकाउंट होना चाहिए, KYC वेरीफाइड होना चाहिए और आपका डेली मार्जिन ट्रेडिंग वॉल्यूम 1000 BUSD या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपको इसमें रिवॉर्ड मिलेगा। कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों बाइनांस क्या करता है, एवरी वीक मार्जिन ट्रांजेक्शन में जितनी भी फीस बाइनांस को मिलती है उसका वो 20% अमाउंट एज अ रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एलिजिबल ट्रेडर्स में। तो आपको रिवॉर्ड मिलता है BUSD में। इस 20% अमाउंट में से 5% वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बोरो अमाउंट के हिसाब से, मतलब ट्रेडर्स के बोरो अमाउंट के हिसाब से, और 15% वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से। तो दोस्तों हमारा बोरो अमाउंट और ट्रेडिंग वॉल्यूम लास्ट थर्सडे से इस थर्सडे तक काउंट होता है फ्राइडे के लिए। फ्राइडे को आपको रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो कैलकुलेट करके वो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आपको रिवॉर्ड मिलता है तो आपको वो क्लेम करना है। तो अगर आपको फंडे फ्राइडे के बारे में, इस कैंपेन के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो बाइनांस की ऑफिशियल लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो देख सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है। सपोज आपके पास $100 है और आप एक ट्रेड लेते हो, उसमें आपको 10% प्रॉफिट हुआ, तो आपको $10 का प्रॉफिट हुआ। अब आप सोचते हैं कि अगर ज़्यादा अमाउंट लगाया होता तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता, तो आप मार्जिन ट्रेडिंग में लीवरेज ले सकते हो। सपोज आप 5x लीवरेज लेते हो तो $500 का आप ट्रेड ले सकते हो। इसमें $100 आपके हैं और $400 एक्सचेंज के हैं। अब अगर आपको 10% का प्रॉफिट हुआ तो आपको $50 का प्रॉफिट होता है। अब ट्रेड क्लोज करने के बाद $400 एक्सचेंज का रिटर्न हो जाएगा, आपके $100 और $50 आपका प्रॉफिट, टोटल $150 आपके वैलेट में रहेंगे। बस आपने जो $100 एक्सचेंज से लिए थे उस पर आपको अवरली इंटरेस्ट पे करना है, जो बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत ही कम होता है। तो दोस्तों इसे कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग से आप अपनी पोजीशन साइज को बढ़ा सकते हो, ये आपके रिजल्ट्स को एम्पलीफाई करता है। अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो वो भी ज़्यादा होगा और अगर लॉस होता है तो वो भी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है। दोस्तों अब मैं आपको 3 एडवाइस दे रहा हूँ जो आपको मार्जिन ट्रेडिंग करते वक्त ध्यान में रखनी है। फर्स्ट एडवाइस, कीप एन क्लोज आइज ऑन योर मार्जिन लेवल्स। दोस्तों जब आपका ट्रेड माइनस में हो, लॉस में चल रहा हो, तब आपको मार्जिन लेवल्स पर ज़्यादा ध्यान देनी है। मार्जिन लेवल आपके मार्जिन वैलेट में शो होती है। क्रॉस मार्जिन और आइसोलेटेड मार्जिन दोनों का मार्जिन लेवल्स अलग अलग होता है। मार्जिन लेवल कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मार्जिन लेवल्स इज इक्वल टू टोटल एसेट वैल्यू इन योर मार्जिन अकाउंट डिवाइडेड बाय टोटल बोरो अमाउंट प्लस अनरिपेड इंटरेस्ट। तो दोस्तों अगर आपका मार्जिन लेवल 1.1 या उससे कम हो जाता है तब आपकी पोजीशंस लिक्विडेट हो जाएगी, मतलब ट्रेड्स क्लोज हो जाएगी। इसलिए आपको अपने मार्जिन लेवल्स पर ध्यान रखना है। सेकंड एडवाइस, मेक अ गुड यूज ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड। दोस्तों बाइनांस मार्जिन ट्रेडिंग में कूलिंग ऑफ ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन को आप ऑन करते हो तो मार्जिन ट्रेडिंग में आप कोई भी क्रिप्टोकरेंसीज बोरो नहीं कर सकते हो, मतलब आप लीवरेज नहीं ले सकते हो। तो अगर आपके लॉसेस से आपको प्रेशर फील हो तो आप कूलिंग ऑफ पीरियड ऑन कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए। तो कूलिंग ऑफ पीरियड आप चूज कर सकते हो 1 डे के लिए, 3 डेज के लिए या 1 वीक के लिए। तो कूलिंग ऑफ पीरियड ऑन करने के लिए आपको अपने मार्जिन वैलेट में जाना है, यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पे डिसेबल मार्जिन बोरोइंग पे क्लिक करना है, ऑन करना है और नीचे आपको पीरियड सिलेक्ट करना है कि कितने पीरियड तक आपको डिसेबल करना है, 1 डे, 3 डे और 1 वीक, और नीचे कन्फर्म पे क्लिक करना है, आपका उतने पीरियड के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड ऑन हो जाएगा। थर्ड एडवाइस, मेक अ प्लान फॉर यूजिंग आइसोलेटेड मार्जिन एंड क्रॉस मार्जिन। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ आइसोलेटेड मार्जिन क्या होता है और क्रॉस मार्जिन क्या होता है। सपोज आपके वैलेट में $100 है और आप $20 का एक ट्रेड लेते हो,
10x लीवरेज के साथ वो $200 का होता। अब आइसोलेटेड मार्जिन में आपकी लिक्विडेशन लेवल $20 होगा, मतलब $20 लॉस होने पर आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी, आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा और आपके वैलेट में $80 बचे रहेंगे। लेकिन क्रॉस मार्जिन में आपका लिक्विडेशन लेवल $100 होगा, जितना आपके वैलेट में है। अगर $20 लॉस होने पर भी आप ट्रेड क्लोज नहीं करते हो, आप होल्ड करना चाहते हो, तो वो आप होल्ड कर सकते हो। $30 माइनस $50 मैक्सिमम $100 लॉस होने तक आप वो ट्रेड होल्ड कर सकते हो और $100 लॉस होने पर आपकी वो पोजीशन क्लोज हो जाएगी। तो अगर आप लॉन्ग ट्रेड ट्रेड लेना चाहते हो या किसी ट्रेड्स को आप होल्ड करना चाहते हो तो वो आप क्रॉस मार्जिन में लें, और अगर जो थोड़े रिस्की ट्रेड्स हैं वो आप आइसोलेटेड मार्जिन में ले सकते हो। आप अपने हिसाब से आइसोलेटेड मार्जिन और क्रॉस मार्जिन के लिए प्लान्स कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, क्योंकि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के रिलेटेड रेगुलर वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ। इन दिस वर्ड्स, साइनिंग आउट सागर।